కృష్ణా గోదావరిపై ఏ ప్రాజెక్టు కట్టాలన్నా వాటికి అనుమతి ఇచ్చే అధికారం అపెక్స్ కౌన్సిల్దేనని అన్నారు కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్. ప్రాజెక్టుల డీపీఆర్ల సమర్పణకు ఇద్దరు సీఎంలు సమ్మతించారని ఆయన తెలిపారు. दोनों राज्यों के अधिकार क्षेत्र का फैसला करना यह पहला विषय था जिस पर आज चर्चा हुई थी, फर्स्ट एजेंडा आइटम था. और छह साल बाद में भी, क्योंकि उनके बन जाने के बाद में भी उनके अधिकार क्षेत्र को नोटिफाई नहीं किया गया था, हमने दोनों जो है इस पहले एजेंडा पर आज डिटेल में डेलिब्रेशन किया, डिस्कशन किया है. उसके बाद में जो दूसरा एजेंडा था, मैं सारे डिसीजन पे बात करूंगा. एक बार मैं अपनी बात कर दूं उसके बाद आपकी बात करूंगा. डोंट बीच में मत बोले. मुझे पता है आप लोगों की चिंता थोड़ा ज्यादा है तेलुगु मीडिया की. कृष्णा और गोदावरी नदियों पर दोनों राज्यों द्वारा क्रमशः नई परियोजनाओं की डीपीआर प्रस्तुत करना, क्योंकि एज पर एक्ट डीपीआरस आर टू बी सबमिटेड. जो है पहले डीपीआरस को कृष्णा और गोदावरी रेस्पेक्टिव बोर्ड को सबमिट करना चाहिए, उनको अप्रेज करने के बाद में उन जो है वो एपेक्स काउंसिल में आकर के एपेक्स काउंसिल की अनुमति के बाद में ही दूसरा नया प्रोजेक्ट जो है वो प्रारंभ करना. కృష్ణా నది జలాల వివాదంపై సుప్రీంకోర్టులో వేసిన కేసును వెనక్కి తీసుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ తెలిపారు. ఆ తర్వాతే కొత్తగా ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలా లేక ఉన్న బోర్డుతో ముందుకు వెళ్లాలా అనేది ఆలోచిస్తామని అన్నారు. ట్రిబ్యునల్ కా గఠన్ హోనా చాహియే యాజ్ పర్ జో ఇంటర్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ హై. उसके हिसाब से कोई भी एक स्टेट अगर रेफर करता है तो ये हमको एक साल का विंडो, उसमें विचार विमर्श के बाद में, निगोशिएशन के बाद में वो करने का अधिकार है भारत सरकार को. दोनों ही राज्यों ने अपनी तरफ से इसके लिए रिक्विजिशन भेजने के लिए कहा है, तो हम तय प्रक्रिया के अनुरूप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. तीसरा जो है कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के, जो 2014 में और उसके बाद में 2018 में जो तेलंगाना स्टेट ने जो रिक्वेस्ट भेजा था कि इसको 5(3) में ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाना चाहिए, सेक्शन 3 में ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाना चाहिए. सेक्शन 3 में ट्रिब्यूनल को रेफर करने के लिए मैंने आज उनको आश्वस्त किया है, क्योंकि ये मैटर सब्जिडाइज है, सुप्रीम कोर्ट में पहले से तेलंगाना स्टेट इसको लेकर के गई है. इसलिए उस परिस्थिति में हमको इसे जो है रेफर करना ट्रिब्यूनल को संभव नहीं है. माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना ने यह विश्वास दिलाया है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट से इस केस को विड्रॉ कर लेंगे. विड्रॉ करने के बाद में हम जैसे ही वो एश्योरेंस देंगे, विड्रॉ करने का राइटिंग में कमिटमेंट भेजेंगे, हम इसको लीगली एग्जामिन कराएंगे कि इसको नया ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए या एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल जो इस पर काम कर रहा है उसी को इसी टर्म ऑफ रेफरेंस दे करके उसको यह काम दिया जाना चाहिए. जो भी विधिक राय आएगी उसके अनुरूप हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. तीसरा जो है कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के, जो 2000